सर हम बिलासपुर की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? सर अभी पिछले महीने ही वहाँ शशि की पोस्टिंग हुई थी, उसकी लाश गांव की हवेली के बाहर लटकती हुई मिली। लोग कहते हैं उस हवेली में कोई चुड़ैल रहती है सर। अबे भूत वूत कुछ नहीं होता, यह सब इंसानी चोचले हैं। क्यों भोसले? हो साहब, आज बिलासपुर में किसकी ड्यूटी है? तूफान के साथ बहुत तेज बारिश आने की चेतावनी है। सुन लो सर, हो गई पनौती शुरू। हे भगवान, जन्नत का दरवाजा खोल दे, मैं आ रहा हूँ। मुंह बंद कर वरना उठा के गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा, समझा? सर समझ गया सर, याली होने वाली है खली बली, बचा लो ना बजरंग बली। कंट्रोल टू ऑन स्टैटिक वॉकी टॉकी, आज बिलासपुर में नाइट पेट्रोलिंग की ड्यूटी किसकी है? प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, वहाँ कुछ इमरजेंसी है। मैडम सत्यमूर्ति स्पीकिंग, आई एम फाइन एंड यू? क्या? कुछ नहीं मैडम, बोलिए बोलिए। क्या आप उसी एरिया में हो? जी मैडम। उस एरिया से किसी आदि नाम के आदमी ने फोन किया था? या गुड। उसने कहा वहाँ भूत है और उस भूत ने किसी की जान ले ली है। ओके। अरे क्या ओके, आप वहाँ जल्दी पहुँचिए। ओके मैडम, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। प्लीज आप वहाँ जाके चेक करें, बैकअप चाहिए तो इन्फॉर्म करें और ज्यादा बोला ना करें। ओके मैडम। ना जाने कब तक कुमारा रहूंगा, शादी हो जाती तो रोज दो खूबसूरत हाथों से बनी चाय पीता। सर आपको दो हाथों से चाय पीने की पड़ी है, वहाँ वो अपने आधे दस हाथों से हम सबका खून पिएगी। अरे चुप कर मनहूस। ओके सर ओके। अरे बाप है बाप सर, ये तो वही भूतिया हवेली है सर। सर ये शशि की जीप, सर लंगोट उठा के भाग लीजिए सर। कंडवा तू अपना मुँह बंद कर। लगता है महीनों से यहाँ कोई नहीं आया। सर किसी को मरना थोड़ी है, हम भी निकल चलते हैं सर, झूठ बोल देंगे कि हमें कुछ नहीं मिला सर, चलो ना। जो डर जाता है वो मर जाता है। अरे मैं तो कब से डर रहा हूँ सर, मैं घर जाऊँ क्या? बकवास बंद कर और चुपचाप चल मेरे साथ। ए तू यहीं रुक। ठीक है सर। कहाँ फंस गया यार? देखना भोसले, भूत की लंगोटी लेकर ही आऊंगा। ओ साहब। आवाज दे। चुड़ैल अन्ना दरवाजा खोलो। अबे जोर से बोल। अरे जल्दी से दरवाजा खोल दो। रुक जा, अपने स्टाइल से खोलता हूँ। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन। खुल गया। ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? पता नहीं सर। कौन है अंदर? सर सर, जय खाली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जय खाली। ओ मेरे याली, ले ले सरजी की बली। चुप कर, दूसरा बोल। कौन सा बोलू? कोई भी। डर के मारे भूल गया सर। सर मुझे डर लग रहा है सर। चुप, चलता रहे। अंदर कौन है जवाब दो। पर बाहर मत आना। ज्यादा बोलेगा तो बत्ती सी तोड़ दूंगा। मैं नहीं लगवा लूंगा सर, आपको आपकी माँ की कसम। लौट चलिए। बस बंद कर। तो बाप की कसम? अबे तू अपने बाप की कसम खाना, खा। मुझे यतीम थोड़ी होना। मम्मी मर रही हूँ। सर ये आवाज अलमारी से आ रही थी। आलतू जलालतू आए बना को टालतू, आलतू जलालतू आए बना को। ए ये अलमारी खोल। नहीं सर नहीं। खोल नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा। खोल। ठीक है सर। जल्दी कर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तू लोक पूजा कर रहा। बिल्ली है चुप। हाँ मखा डरा दिया। सर आगे मत जाइए सर, सर रुक जाइए सर। सर ये वही चुड़ैल। चुप कर, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, चुप चुप चल। ठीक है सर, चुड़ैल मैं कुछ मत कर रहा। सर सर ये हंस क्यों रही है? जाना उसी से पूछ ले, जा। नहीं सर मुझे मरना नहीं है। लगता है इसे अभी किसी ने ऑन किया है। किसने किया होगा? सर चुड़ैल ने। सुन पुलिस स्टेशन फोन कर। ओके सर। ए रोक, मैं जानता हूँ तू कौन है। तू कोई भूत भूत नहीं, बहुरूपिया है। मुझे डराएगा? आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। सर सर रुको सर। बंद कर मेरे पीछे आ। सर अब तो मिल्खा का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे।
आपको पुलिस में नहीं ओलंपिक में होना चाहिए। मुंह बंद करो से ढोन, वो यहीं कहीं छुपा है। मिल गया। तितली? ये तितली है, कैसे आई? सर कुछ तो गड़बड़ है सर, रुक जाइए सर, सर सर अंदर मत जाइए सर, सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, सर अंदर मत जाइए सर, सर सर कंगवाल, ये सब क्या है? अब तो मुझे भी डर लग रहा है, लगता है मेरी चंडी की भी हो गई है। सर मैंने आपसे पहले ही कहा था सर, यहाँ से निकल चलो सर, सर चलिए जल्दी से बैकअप बुलवा। ठीक है सर, सर बुला दो, भगवान सिग्नल में नहीं आ रहा है, अब क्या करेंगे सर, सर अब क्या करेंगे? और सर भूत की लंगोटी? अबे जल्दी निकल, नहीं तो हमारी लंगोटी निकल जाएगी। चल जल्दी निकल, निकल जल्दी। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। तो जाम ऊपर से ये बच्चे आज कुछ तूफानी करते हैं भाई। अरे तितली रानी, ये मारी गाड़ी से बैठने के पीछे लगे। अरे धुआं धकड़ में कहां घूम रही से, जा फूलों का रस चूस। अरे खड़ी बावरी, पागल हो रही के? अरे यहाँ तो पीछे ही पड़ गई। अरे अरे मारी बस, चुप गई। तबला फोड़ी नाकिस। अयो गलती हमारा नहीं है, चचुंदर का है। ए बेडुक तुला दिसत नहीं का? सॉरी सॉरी, अबे घोंचू येड़ा है क्या? ओए खोते तेरी वजह तो गालियां पेरी मेनू। सॉरी बैठ जी, मारी गलती से। पापा आप कहाँ हैं? रेस्टोरेंट में। कौन सा फ्लोर? 10th फ्लोर। ठीक है। आराम से, भड़क गई तो गड़बड़ हो जाएगी। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। क्या बात? अरे आ गई बेटा, बैठो बैठो। मुझे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? तुम्हें याद है वो मेरा दोस्त सोमशेखर नाम है उसका? उसका बेटा है आदि, बहुत ही अच्छा लड़का है। वो अभी हाल ही में यूएस से आया है, तो हम सोच रहे थे तुम उससे मिल लेती। एक बार नहीं हजार बार कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है, इतनी सी बात समझ में नहीं आती। यही मेरी बेटी है। हमने इसे तुम्हारे आने के बारे में बताया नहीं था, इसीलिए थोड़ी सरप्राइज्ड है। थोड़ी सरप्राइज्ड? सो व्हाट, लाइफ प्लान के हिसाब से चले तो मजा नहीं आता। सही कह रहे, सही कह रहे। अरे बेटा एक काम याद आ गया, तुम दोनों आपस में बात करो, हम लोग चलते हैं। हम लोग चलते हैं। ऑल द बेस्ट अरण्या, बाय आदि। बेटी अरण्या, आदि से अच्छे से बात करना। ओके बाय। यस सी यू। सो अरण्या, अपने बारे में कुछ बताओ। लुक मिस्टर आदि, आईने में अपनी शक्ल देखी है? मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे ऑफिस का चपरासी भी तुमसे ज्यादा हैंडसम है। अच्छा दिखता तो शादी करती। लुक अरण्या, शादी सिर्फ रात बिताने का एक सर्टिफिकेट है। और एक ही के साथ क्यों बिताए?
पर सबके साथ बिताएंगे तो लोग उंगली उठाएंगे, इसलिए शादी करके उनके मुंह पे एक सर्टिफिकेट मार दो और बता दो कि हम शरीफ हैं, फिर करो याशी, क्या बोलती हो? सलाह देने के लिए शुक्रिया, बहुत ही घटिया ऑफर था। वैसे एक बात कहूं, हम लड़कियां ना तुम जैसों की वजह से ही बदनाम हैं, और रही तुझसे शादी करने की बात, कभी नहीं। फेसबुक पे तुम्हारी फोटोज देखी है, तुम मेल फ्रेंड्स के साथ काफी चिपक की फोटोज खींचवाती हो। शादी के बाद ससुराल वाले इस पे रोक लगाते हैं, पर मैं नहीं लगाऊंगा, गोल्डन चांस है। तेरी माँ ने भी शादी के बाद यही किया था, बोल। उन्हें बीच में क्यों ला रही हो? Hey, ये नखरे किस बात के? तुम मीडिया में हो ना, तो बिना क्लाइंट और बॉस का खुश किए यहाँ तक पहुंची हो। ये सती सावित्री का नाटक क्यों? अगर ये पब्लिक प्लेस ना होती ना, तो ऐसा चमाट मारती कि सारी लड़कियां तुझे माँ और बहन दिखती। तुझ जैसे घटिया सोच के लोग समाज के कीड़े होते हैं, जिन्हें हिट मार के हमेशा के लिए सुला देना चाहिए। अबे गंदी नाली के कीड़े, तेरे बाप ने तुझे खुला छोड़ा, इसका मतलब तू दूसरों की जिंदगी बर्बाद करेगा? बाप के पैसों पर दिन रात अय्याशी करके अपने आप को 30 मार खा समझ रहा है? अबे चिरकुट, तेरे नाम का तो मैं कुत्ता तक ना पालूं। क्या हुआ तुझे, सांप सूंघ गया? लड़कियों से जुबान संभाल के बात करना। मेरे नाम का कुत्ता नहीं पालेगी ना, हस्बैंड तो पालेगी। उद्योगपति रितेश शुक्ला ने कहा है कि इस साल वो इंडिया में अपनी ब्रांचेस बढ़ाने वाले हैं। हाय मैडम, मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच में कोई तीसरी आ गई है। ओके, वो बहुत ही खूबसूरत, स्लिम और साथ ही साथ ट्रेंडी भी है। उसने उस पर जादू कर दिया है। ओके, वो सौतन कोई और नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड का नया मोबाइल है। व्हाट? ये बटन किस काम का है? उससे सब कुछ डिलीट हो जाता है। डिलीट कर दो क्या? नहीं, पता नहीं आजकल लोग कैसे रिप्लाई देते हैं। खैर जो भी हो, हम कस्टमर्स की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या हुआ, ये घायल शेरनी की तरह कहाँ जा रही हो तुम? क्या बात है ये आजकल लोग किस तरह के अजीबोगरीब सवाल करते हैं, दिमाग की दही हो जाती है। मुझे कोई और डिपार्टमेंट दीजिए। I'm really tired, Ravi. दिमाग की दही हो या लस्सी, हम सबका यही नसीब है। Accept it. मैंने यहाँ पर बहुत पापड़ बेले हैं, तुम्हें भी बेलने पड़ेंगे। समझाओ उन्हें। क्या बात कर रहे हो, उन्हें समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। कितना भी समझा लो उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। रवि, क्यों ना हम दोनों मिलकर अपने YouTube चैनल की शुरुआत करें? हम उसमें हॉरर स्टोरीज डालेंगे, जैसे लंगड़ा कल्लू चले हल्लू हल्लू, बिना बालों वाली डायन, चालबाज चुड़ैल की पसंदीदा भेल, भागते भूत की निकली लंगोटी, आलिशान शमशान, क्या बोलते हो? तुम्हें क्या शमशान में लेटना है? ये सब टाइम पास है। आजकल YouTube पर कोई भी बकवास वीडियो उठाकर डाल देता है। रवि, तुम जितना सोच रहे हो उतना मुश्किल नहीं है, यकीन करो। स्टॉप इट अरण्या, यूट्यूब मतलब सब झूठ। जहाँ कौवा कोयल की तरह गाता है, लंगड़ा रेस में फर्स्ट आता है, गधा शेर बन जाता है, और जिसके पास दिमाग नहीं वो मूवी बनाता है। ए सब पागलपंती, ए खाने चल बेना। हेलो बेटा, आज तुम घर जल्दी आ सकते हो क्या? किस लिए? एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ओके ठीक है। ये लो वो मिठाई। ये मिठाई किस लिए?
बेटा आदि ने हाँ कर दिया शादी के लिए, वी आर प्राउड ऑफ यू। अरे वो कह रहा था उसे तुम्हारी जैसी लड़की की जिंदगी भर से तलाश थी, उसने कहा तुमने उस पर कोई जादू कर दिया। बेटा कैसा जादू किया? बेटा ऐसा क्या जादू कर दिया, हमें भी तो बताओ। मैं और तुम्हारी माँ आज बहुत खुश हैं। अब मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपनी बेटी की शादी अपने रिटायरमेंट से पहले ही कर दी। एक और सरप्राइज है, आदि शादी के लिए बहुत उतावला हो चुका है, जानती हो वो कल ही मंगनी करना चाहता है, परसों शादी। पता है बेटा हम लोग बहुत खुश हैं, तुम भी बहुत खुश हो ना? ये हुई ना बात, अब हम धूमधाम से शादी करेंगे। सुनिए जी, आखिर हमारी बेटी शादी के लिए तैयार हो गई, इसकी शादी करके मैं तो गंगा नहाऊंगी। बेटा उठो, आज ऑफिस नहीं जाना। अरण्या उठो बेटा। अरे जल्दी आइए। कहाँ गई होगी हमारी बेटी, मुझे उसकी चिंता हो रही है। जरूर वो किसी दोस्त के घर गई होगी, तुम टेंशन मत लो, शाम तक आ जाएगी वो। अभी भी घर का पूरा छपरा बाकी है ना? अरे यार कहाँ फंस गया मैं, क्या परेशान कर रखा है? अरे कभी तो छपरा पेंट करता है क्या, गधा समझ रखा है? बराबर बोला। भैंस के आगे पुंगी मत बजाओ बहरा है। मैं मेहरा हूँ बुढ़ी। फिर बुढ़ी बोला मुझे, रुक जा जवानी का झटका दिखाती हूँ। फटका पिछले कॉन्ट्रैक्टर ने दिया था, मजे से आया दीवार और तुमको चुना लगा के चला गया। ये तो देव मानुष है, ऐसे बहुत कम मिलते। ऐसे भूखे नंगों को सर पे चढ़ाएगा तो लुट जाएगा। ऐसे चंगे लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, तू चुप कर। हाँ तो कान क्यों चबा रहा है? दादी माँ मत मारी गई थी मेरी, जो इस घर को पेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। एक तो ये सांड है बहरा और ऊपर से तुम हो अंधी, तो इस घर को पेंट करने का क्या फायदा? अब मेरे पैसे दे दो और मुझे जाने दो। अरे आदि 100 रुपया मुँह पे मारो और भगाई से। 9 रुपया? 9 रुपए भी कोई देने की चीज होती है? कितना दूं? 900 तो बनता ही है और मेरी तरफ से 1100। 2000 रुपए चलेगा? हाँ चलेगा। क्या कर रहा है, मैं मर जाऊंगी। मैंने लोगों का खून चूस इसके पैसे का क्या कर रहा है? जल्दी जल्दी कान में मशीन डाल। लगा रहा हूँ। जल्दी कर। बुढ़िया एक बात हमेशा याद रखना, लोगों का बिल नहीं दिल जीतना चाहिए। तू देख नहीं पाएगी लेकिन वो दुआ देता हुआ भागता हुआ जा रहा है। भगवान करे तेरे जैसे बहरा सबको मिले। चुप कर, मैंने तुझे 100 रुपए देने को कहा था, तूने उसके मुंह पर 2000 दे मारा है। इतना बड़ा झोल कर दिया। कान में मशीन लगाना भूल गया था। तेरे भूलने की वजह से मेरे 1900 रुपए गटर में चले गए। तेरी पगार से साल भर काटूंगी, पगार के 1500 तो कटेंगे ही, ऊपर से तू मुझे हर महीने 400 देगा और फ्री में काम करेगा। एक नंबर का पनौती है, तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? पीछे छूट जाता मेरा। चुप कर बुढ़िया, पीछे कब्रिस्तान है, जाके वहाँ पे लेट जा। कब्र में लेटाने वाले खुद ही कब्र में लेट गए, मुझे कब्र में लेटाएगा तू? अंधी लेकिन थूकती बराबर निशाने पे। इसे देखकर लग रहा है मेरी दिलवाली दुल्हन मेरे पास आ रही है। अगर इससे मेरी शादी हो गई तो 2 साल में पूरी क्रिकेट टीम घर में तैयार हो जाएगी। ए झिंगुर, क्या नौटंकी चल रही है? मैं तुमसे शादी करने की सोच रहा हूँ और तुम सबके सामने इज्जत का फालूदा निकाल रही हो। होने वाले पति को झिंगुर कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुझे नहीं लगता तू ज्यादा बोल रहा है? शादी के बाद नहीं बोलूंगा। दादी से कहूंगी ना तो चप्पल निकाल के मारेंगी। चल बैग पकड़। अबे देख क्या रहा है झिंगुर? एक कम थी जो दूसरी खून चूसने आ गई, पहले खून की कमी है। बोल 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 दो। हाय, सारा इम्पोर्टेड माल आ गई, मेरी पोती आ गई। इस घर को कितना मिस किया दादी। तरस गई थी तुझे देखने के लिए। कैसी हो दादी? खुली आंखों से तो दिखता नहीं है। हाँ हो सकता है मन की आंखों से देखने को तरस गई होगी। पोती के आते ही पार्टी बदल दी, मुझे भूल गई बुढ़िया। ए गेंडे, अपने मुंह का गंदा गटर बंद कर और निकल, जाते हुए 2 चाय बोल दे, उसमें जहर भी डालने को बोल देता हूँ।
दादी आप अभी भी एम्ब्रॉयडरी करती हैं? खाली टाइम में थोड़े बहुत हाथ पैर चला लेती हूँ। सिर्फ हाथ पैर नहीं चलाती है, दिन भर मुंह भी चलाती रहती है बुढ़िया। नाक में दम कर रखा है, बोल बोल के मेरा कान भी खराब कर दिया। अबे ओए। बेटी तू अपने पापा को बता के आई है ना, उन्हें पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ, झगड़ा हो गया? ये बहुत लंबी कहानी है दादी, ये सारी बातें छोड़ो, अब जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए दो। बस दो मिनट। ठीक है। ए, पॉकेट मारता है तू, हाँ? अरे तुझे मेरी बात ध्यान से सुनो, उसे थोड़े पैसे देकर गांव भेज दो। हाँ। और ऐसे चिंदी काम के लिए मुझे दोबारा फोन मत करना। हाँ हाँ भाई। दोबारा ऊपर की तो ऊपर पहुंचा दूंगा। अरे उस लंबू को बाहर निकाल, नसीब वाला है, 5-15 दिन में हाजिरी देने आ जाना, नहीं तो हम आएंगे। चलता हूँ सर। ए, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, पूरी जान ले लूंगा। ए, चल पीछे, ए, छोड़ से, क्या कर रहा है? इसे कैसे छोड़ दिया आपने? अरे छोड़ा नहीं है इसे, बेल पे बाहर जा रहा है। आखिर ये ऐसे कैसे जा सकता है सर, इससे मेरे प्यार का खून क्यों ना, आप इसे छोड़ रहे हैं? मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, पर हम मजबूर है, अब कोर्ट में इस पे मुकदमा चलेगा। अभी जा कोर्ट में, जब तारीख पड़ेगी तो आ जाना। ए, खड़ा किया जा। जी। ठीक से देख नहीं पाती, लेकिन इसका चीला बराबर गोल बनता है, चांद भी फेल है। इतनी गालियां सुनने के बाद भी राजी हो गया, अजीब बात है। यही तो मैं भी सोच रही हूँ। बहुत सोचते हो, शादी कितनी मुश्किल से होती है पता है? मुझे 32 लड़कियों ने रिजेक्ट किया, मैंने कभी हार मानी? जस्ट बी पॉजिटिव बुढ़िया, चल चीला खिला। अबे गेंडे ज्ञान की बातें झाड़ना बंद कर, 56.5 चीले डकार चुका है, अब मांगेगा तो तवा मारूंगी। बुढ़िया को दिखता नहीं है लेकिन गिनती बराबर करती है। कोई बात नहीं, अभी तो निकल रहा हूँ लेकिन फिर आऊंगा। फूट फूट यहाँ से। चीला बच गया तो उसको चिलर में रख देना। अरे जा रहे, पका मत, मैं वापस आके खाऊंगा। अबे अब जाएगा कि कुकर फंसाओ तेरे सर में। क्या कह रही हो दादी, ये तो हम दोनों का प्यार है बेटा, जब तक इसे 4-5 गालियां नहीं दे दूं ना, मेरा खाना हजम नहीं मेरा होता। हो गया, ज्यादा खा लिया। अच्छा एक मिनट रुक तो बेटा। ये क्या कर रही हो दादी? नजर उतार रही हूँ तेरी। इसमें थूक दे बेटा। अरे थूकदान समझ के थूक दे। बेटा कहते हैं ना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो टेबल पे रखा है खा ले। नहीं दादी डाइटिंग कर रही हूँ। बहुत देखे तेरे जैसे डाइटिंग शाइटिंग करने वाले, जब मैं तेरी उम्र की थी ना तो 15-20 पराठे नाश्ते में खा लेती थी। बस बहुत हो गया दादी, अब जाके सो जाओ, सुबह मुझे जॉगिंग के लिए जाना है। अरे मैं तो नींद में ही बात कर रही हूँ। बोलो माँ। कहाँ चली गई बेटा? अब तो शराब पीना बंद कर दो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगी? मुझे माफ कर दे, मैंने जानबूझकर उन्हें नहीं मारा, एक हादसा था जिसमें उस बच्चे की और सौरत की मौत हो गई। तेरी कसम, तू मेरा विश्वास कर, आज के बाद शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, सच कह रहा हूँ, अब तो खा ले।
आज ऐसा भागूंगा कि मिल्का भी मेरे सामने हल्का हो जाएगा। अरे वो बाल की दुकान। सुबह सुबह कौन सा कौवा काका कर रहा है? गुड मॉर्निंग। ये क्या नई नौटंकी है? पानी की टंकी भर दी। हाँ? लंगूर चाहे जितनी भी गुलाटी मार ले वो कभी हीरो नहीं बन सकता। और तू तो पूरा का पूरा गोरिल्ला है, सर से लेकर पांव तक। हाँ, यहाँ रोज एक बिल्ला आया करता हा? था, मैं अपने हाथों से दूध पिलाता था। हाँ? तेरी तो सुबह सुबह पेड़ा खाना है। हाय, गुड मॉर्निंग। मुझे कितनी बार गुड मॉर्निंग बोलेगी? ठीक है गुड मॉर्निंग। सोचो कहीं ये भूत से बात तो नहीं कर रही। लेट्स गो। लेकिन हाँ, पहले बता दूं, मैं ना बहुत तेज दौड़ता हूँ, तो तुम पीछे रह जाओ तो बुरा मत मानना, ठीक है ना? ऑटो टैक्सी पकड़ के घर आ जाना। ठीक है, चलो। टेंशन मत लेना, दादी के पास बहुत माल है। दादी की जबान तेज चलती है और पोती के पैर। अरण्या, बस कर। अभी से हवा निकल गई। तू धीरे धीरे आ, मैं आगे जाती हूँ, ठीक है? हेलो अरण्या, वन सेकेंड। जब क्लाइमेट इतना अच्छा होता है ना, तो वॉकिंग करना ही बेस्ट रहता है। वॉकिंग करते नजारों का मजा लेते। मोटा भैंसा कहीं। अच्छा अरण्या, मान लो अगर मैं शहर गया तो वहाँ किसी फिल्म में मुझे हीरो का रोल मिलेगा क्या? तुझे आईने में शक्ल देखी, छछुंदर जैसी है। मेरी शक्ल को क्या हुआ, हीरो तो लगता हूँ। वैसे गांव की रामलीला में बहुत बड़ा रोल करता हूँ मैं। कौन सा रोल? रावण का। अरण्या, मेरी शादी जल्दी हो जाएगी ना? तेरी शक्ल देख के तो नहीं लगता। वैसे शक्ल में क्या रखा है? मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। वो सब दादी का है। इसको सब पता है? चालू दादी की चालू पोती गूगल की तरह हर इन्फॉर्मेशन रखती है। कितनी भी कोशिश कर ले, जिंदगी भर भैंस ही चराएगा तू। भैंसा जाऊं? तुम्हारा नाम क्या है? बबलू। मम्मी पापा कहाँ हैं? शहर में। मैं मामा के साथ रहता हूँ। मामा कौन? वो आदित्य? ये अकेले किसके साथ फुटबॉल खेल रही है? मानना पड़ेगा इस लड़की को, बार बार बॉल को किक मारती है और बॉल बार बार इसके पास लौट आता है। अगर ये इंडियन टीम में होती तो 100-200 मेडल तो आ ही जाते हैं। ए चैतन्या, दरवाजा खोल। ए चैतन्या, सुन नहीं रहा क्या? ए दरवाजा खोल। खोलेगा नहीं तो तोड़ दूंगा। सलाम सर। कल रात को कहाँ था तू? घर पे। तेरे साथ और भी कोई है क्या? नहीं, अकेला था। क्या बात हो गई?
कल जिस ट्रक ड्राइवर से तूने लफड़ा किया था ना, वो मर गया है। कब? कैसे? आसपास के लोग कह रहे थे छत से गिर गया। दिखने से तो एक्सीडेंट ही लग रहा था, लेकिन तुझ पे शक है इसलिए इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर तुझे कुछ पता है तो बता दे, तेरे लिए अच्छा रहेगा, वरना बाद में अगर हमें पता चला तो वो हालत करेंगे कि सोते जागते उठते बैठते तुझे बस हमारी शक्ल याद आएगी। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन ले, जब तक ये पता नहीं चल जाता कि एक्सीडेंट है या मर्डर, तुझे जब भी बुलाएंगे ना आना पड़ेगा। ठीक है सर। आइए सर। लॉरी ड्राइवर की छत से गिरकर मौत हो गई, लोग छत पर जाते ही क्यों हैं? ये क्या लगाया है? मुल्तानी मिट्टी। वो किस लिए? गोरी चमड़ी के लिए, लड़कियों को पसंद है ना। वैसे तुम यहाँ पर पेंटिंग कर रही हो, दादी पैसे नहीं देगी। ए, बकवास बंद कर। अब भूल गया किस लिए आया था। ओ हाँ, भैंस धोने के बाद कहाँ रखा? अब क्या ढूंढ रहा है? अरे वो एक महीने बाद नहा रहा हूँ ना, पता नहीं कहाँ रख दिया। आ, वो रहा मेरा स्क्रबर, घिस घिस के नहाऊंगा, मिस को मिसेस बनाऊंगा। चलता हूँ, ठंडे ठंडे पानी से। स्टूपिड। अरे पता नहीं एकदम ऊपर से नीचे गिर गया। हाँ धम से, ये तो अचानक से आवाज आई, भाग कर आया। हाँ मुझे भी आवाज आई थी। आता है आजकल लोग इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहते, पता नहीं क्यों। मैं तो दो माले से ऊपर ही मुझे अच्छा। जाता ही नहीं। हाँ, मैं तो सबवे में रहता हूँ। अच्छा आपका नाम क्या है? गीता। कितने साल से आप यहाँ काम कर रही हैं? 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। क्या मोहित अग्रवाल यहाँ हमेशा आते थे? वो तो अक्सर यहाँ आते थे। एक मिनट सर, एक्सक्यूज मी। आप परेशान मत होइए, अगले 10-12 दिन में आपको पीएफ का पैसा मिल जाएगा। क्या हुआ? आपको नहीं पता? नहीं। रूम नंबर 701, मोहित अग्रवाल, उनकी मौत हो गई। नशे की हालत में बैल्कनी से गिर गया और वहीं उनकी मौत हो गई। बहुत बड़े बियर कंपनी का मालिक था। देखने वालों का कहना है कि सीधा टेरेस से जमीन पर आ गिरा। अच्छा हुआ मर गया, फीमेल स्टाफ पे बुरी नजर रखता था। वो कहते हैं ना, जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है। अब देखो तुम ठीक तो हो ना? गीता जी, 1 मिनट। ठीक है सर, आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी। बेटा सोई नहीं अभी तक? आजा बैठ मेरे पास। आजा 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 मेरा बेटा, आजा बेटा। सुन एक राज की बात बताती हूँ तुझे। मैं हर रोज सोने से पहले तुम लोगों का ये वीडियो एक बार जरूर चलाती हूँ। इसमें तेरे ताऊ तेरा हाथ पकड़कर तुझे पटाखे चलाना सिखा रहे हैं। तुम बचपन में बहुत शरारती थी और तुम्हारे पापा उतने ही गुस्सेल। अब वो इतना गुस्सा नहीं करते। अपनी बेटी के सामने कोई बाप इतना गुस्सा कर सकता है क्या? जब तुम पैदा हुई घर खुशियों से भर गया था, घर में मानो खुशियों की बारिश हो रही थी। फिर कुछ दिनों बाद एक मनहूस घटना घटी। गांव वाले कहते हैं तेरे ताऊ को किसी चुड़ैल ने मार डाला। दादी ये सब वहम है। मैंने भी यही कहा था, पर तेरे पापा ने मेरी बात ही नहीं सुनी। उसे लगने लगा इस घर में आत्मा है। यहाँ से एक बार जो गया फिर कभी लौट कर नहीं आया। बीती बातें भुला दो दादी, उनको यहाँ लाने की जिम्मेदारी मेरी है। प्रॉमिस, अब खुश हो जाओ।
चलो शोभा चलते। अरे सीसीटीवी लगा है? इम्पोर्टेड है। पर आप तो नहीं देख सकती दादी, ये हमारी तीनों शेरनियों के लिए है। अब बिल्लियाँ आपकी बॉडीगार्ड हैं? दादी आप जीनियस हैं। ये बिल्लियाँ ऐसे कभी नहीं रोती, जरा देख तो क्या हुआ है। क्या हुआ बेटा, बिल्लियों से डर गई? अरे पाली हुई है वो अरण्या। अरे कुछ नहीं करेगी वो, डर मत। तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है, क्या हुआ तुझे अरण्या? अरण्या कहाँ चली गई, तू कुछ बोलती क्यों नहीं बेटा? कुछ नहीं दादी। तू तो ऐसे चिल्ला रही थी जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। सर, सर मुझे योगेश जी से मिलना है। कौन योगेश? ऐसा ही योगेश। आज वो ड्यूटी पर नहीं आए हैं। क्यों पांडे, योगेश सर ड्यूटी पर आए हैं क्या? नहीं आले साहब। ना भैया ना आए, एक काम करियो कल आ जाइयो। आता बगा, मैं जो तुमको बोलता है ना वो बराबर समझ के लेने का, मैं दोबारा बोलेगा नहीं तुमको, समझ गए ना? सर योगेश सर की टेरेस से गिरने से मौत हो गई सर। हाँ? अरे बात कर रहा है, ऐसे कैसे हो गया? अरे कल शाम को ही तो उनके साथ में चाय पी थी। ठीक है कंफर्म कर, योगेश सर ही है ना? रुको जरा रिवाइंड करना अरण्या। वो देखो तुम्हारे पीछे तो कोई भूत है। अरे बाप रे ये तो बहुत ही भयानक है। मतलब गांव वाले सच कहते थे। ए बुढ़िया तू मेरा हिसाब कर दे, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। कुछ भी करूंगा लेकिन मैं कुवारा नहीं मरूंगा। मुंह नोच लूंगी तेरा। अरण्या समझाओ, मेरा मुंह नोचने से पहले वो भूत तुम्हारा मुंह नोच लेगा। तू भी डर गया ना? मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, पर वो मेरा वहम था, वो भूत नहीं मेरी परछाई थी। इससे एक आइडिया आया है, झूठ मूठ के भूत की वीडियोस बना के लोगों को डराना शुरू कर दें तो हमें बहुत सारे व्यूज मिल सकते हैं। मैं समझा नहीं। हम हॉरर स्टोरीज शूट करके उसे यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। फोटो हमेशा थूकती रहती है दादी तू। तुम लोग हमेशा लड़ते क्यों रहते हो? दादी आजकल इंटरनेट का जमाना है, ऑडियंस में ऊट पटांग वीडियोस की ज्यादा डिमांड है। जैसे बिना एबीसी जाने एलियंस और डायनासोर्स की बात करो, ना प्रूव होने वाली ऐसी उल्टी सीधी चीजें दिखाओ। आजकल लोग टाइम पास के लिए कुछ भी देखते रहते हैं। कुछ भी कहां से लाएंगे? ए, अरे शूट करेंगे ना, जरा एक बार अपना दिमाग तो लगाओ। इम्पॉसिबल। अगर हमने यूट्यूब पे हॉरर वीडियो बना के डाला और वो हिट हो गया तो हम रातों रात फेमस हो जाएंगे, और एक बार हम फेमस हो गए ना तो पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होगा। ठीक है सबसे पहले सर मैं डालूंगा। तू पूरा ही घुस जाना ना, कढ़ाई का साइज मेरे जितना होगा ना। तो बताओ कैसा लगा प्लान? प्लान तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, दादी को छुड़ैल मैं बनाऊंगा। क्यों दादी तू तैयार है ना? ओके डन 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 डन, वीडियो बनाओ पैसा कमाओ। पैसों की लालची है तू बुढ़िया। भूतों का चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुपर। क्या वालों भूतिया स्टोरी सुनाओ। खतरनाक थी, भयानक थी, बजरंग बली और दुश्मन की नली। अगला चल शुरू हो जा। वो चुड़ैल उल्टे पैरों से दीवार पे चढ़ रही थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। एक रात को मेरी बेटी बच्ची को सुला रही थी, तभी उसे नीचे एक हाथ दिखा। जब उसने नीचे झांक के देखा तो उसे एक गुड़िया नजर आई और वो चुड़ैल वहीं उसके बगल में ही थी। हाँ मेरी मरी माँ की कसम सच बोल रहा हूँ, झूठ बोलूँ तो पाप लगे। कहते हैं वो आज भी भटक रही है। Thank you.
बाल बाल बच गए। क्या भूतों पर यकीन रखती हैं? पता है ईश्वर ने सबसे स्पेशल चीज क्या दी है? हमारा ब्रेन। छुपे रहस्यों को ढूंढना और जो नहीं है उसे क्रिएट करना, ये जानवर नहीं कर सकते। कई बार हमारी जिज्ञासा भी शाप बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार हमारे दिमाग ने किसी आत्मा के बारे में सोचा तो दूसरे ही पल हमें लगता है कि वो आत्मा सामने खड़ी है। एक अजीब सिचुएशन है। तो इसका मतलब घर पे जो मैंने परछाई देखी थी वो सिर्फ मेरा वहम है? ठीक, तुम्हारे फेक वीडियोस की तरह। दुनिया उन्हें सच मानती है। कीप गोइंग, बस कंफ्यूज मत हो जाना एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। क्यों नहीं दिख रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ये बबलू भूत तो नहीं? हाँ? 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 जीविता फोड़ी ना किस। तुम्हारी अकल शु घुटने में गई है क्या? ऊपर वाला जब सबको अकल बांट रहा था तो क्या तुम सब गधा चराने गए थे? भूत मेरी जान पहचान वाले हैं। उनके परिवार में से एक तो हमारे घर में भी है और वो कोई और नहीं मेरी इकलौती बीवी है। आखिर सबको मार कौन रहा है? ये सुसाइड है या मर्डर? बाजार थोड़ी दो ना। कहां जाऊं, किससे पूछूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। अब टीवी बिल्लियों के लिए नहीं, हमारे काम आएगा। मुझे दो लोगों के बारे में जानना है, वो यहाँ रोज आते हैं। अरे इधर तो हजार लोग आते हैं, इसका किसका चेहरा याद रखूंगा? उनका नाम हर्षल और संदीप है। अपन नाम से नहीं पहचानते, केवल पैसे से पहचानते। इधर मिल गया, ऊपर मत मिलियो। हाँ। क्या हो रहा है? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये सब क्या है? कहीं ये भूत का असर तो नहीं? क्या कर रहे हो? One more. ये ले लेटेस्ट कान वाली मशीन। इससे क्या होगा? इससे तुझे मन की आवाज भी सुनाई देगी। फिलहाल मन कर रहा है कि पोता दादी को आशीर्वाद दे दे। क्या करता है? मैं सच कह रही हूँ, यहाँ पर भूत है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए अपनी आँखों से। ए, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं अकेला खाऊं केला। अगर यकीन नहीं होता तो खुद देख लीजिए, इस भूतिया दीवार से अक्सर खून निकलता है। चलो चुड़ैल को मारते हैं, छोड़ेंगे नहीं। आज बच के नहीं जाएगी। डरना नहीं, मैं संभाल लूंगा। अरण्या बचाओ चुड़ैल। दादी बहुत बढ़िया।
कैमरे में तो कुछ नहीं दिख रहा, बाहर भी सन्नाटा है। यहाँ चेक करती हूँ, यहाँ भी सब सुनसान है। फिर वो तितलियां कहाँ से आई? दादी, दादी यहाँ कैसे आ गई? इन्हें तो इनके कमरे में छोड़कर आई थी। ये सब चल क्या रहा है? भूत? कहीं ये भूत तो नहीं? बाहर तो कोई भी नहीं है। दादी बिना देखे सीढ़ियां कैसे चढ़ रही हैं? कौन है? कौन है? मैं अभी वहां पहुंचता हूं। प्लीज आप वहां जाके चेक करें, बैकअप चाहिए तो इन्फॉर्म करें। जी मैडम। पापा,
दादी ठीक है? हाँ। दादी दादी तू ठीक है ना बेटा? सॉरी दादी, मुझे घर ले चल, हॉस्पिटल में रहना नहीं अच्छा लगता। मैं नहीं चाहती कि मेरी मौत हॉस्पिटल में हो। आपको कुछ नहीं होगा दादी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बेटा तू लौट आया, अब तो तू मुझसे नाराज नहीं है ना? हाँ पापा नाराज नहीं है दादी, वो आपको लेने आए हैं। सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। भाई साहब आखिर बात क्या है? आप यहाँ रोज आते हो, एक बोतल खरीदते हो और बिना पिए सूंघ के चले जाते हो। आखिर तुम्हारे फ्लैशबैक में है क्या? हाँ, किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो यहाँ ऑटो वालों को लूटते हैं, पैसेंजर्स को मारते हैं, उनकी जान खतरे में है? हर्षल और संदीप ना? अरे मैं जानता हूं उनको अच्छी तरह से। हर्षल, संदीप दरवाजा खोलो, तुम दोनों की जान खतरे में है, कोई तुम्हें मारना चाहता है।
सामने क्यों नहीं आ रहा? माची को भी मार दिया, क्या जरूरत थी भूत प्रेत के वीडियो बनाने की? बहुत ही बड़ी गलती की तुम लोगों ने। अरण्या तो अभी बच्ची है, लेकिन तुमको और दादी को उसे ऐसा करने से रोकना चाहिए था। देखा, तुम ही लोगों की वजह से वो चुड़ैल वापस आई है। शांत हो जाओ शोभा। मुझे नहीं लगता माजी हमें कभी माफ करेंगी। क्या हुआ बबलू? भवानी के साथ तुमने अच्छा नहीं किया। तुम सब ने मिलकर उसे जान से मार दिया और मुझे भी। तुम सबके हाथ खून से रंगे हैं और इसकी सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी। तुम सब मरोगे। सब लोग आज तुम्हारी दादी के लिए रो रहे हैं और कल वो लोग तुम्हारे लिए रोएंगे। फिर उसके बाद तुम्हारे माँ बाप की बारी आएगी। अरण्या क्या हुआ बेटा?
बबलू, अरनिया, बबलू, क्या हुआ बेटा? बबलू, क्या बात है? बबलू कहाँ है? क्या हुआ बेटा? बबलू कहाँ है? तू ऐसे चिल्ला रही है? बबलू, बोलो ना क्या बात है? बोलो, बबलू, कौन बबलू बेटा? कौन बबलू? तुम्हारा भांजा बबलू कहाँ है? ये किसके बारे में बात कर रही है? जब मेरी कोई बहनी नहीं है तो भांजा कहाँ से होगा? तुम्हारा भांजा बबलू? मैं किसी बबलू को नहीं जानता। किस बबलू के बारे में बात कर रहे हो? तो सही, कहाँ देखा तुमने उसे? अचानक किसी, क्या हो गया? गांव में कोई बबलू नाम का है क्या? नहीं, कोई नहीं है। ये तुम्हारा वहम है बेटा, जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा। कोई बबलू नहीं है बेटा। बेटा लगता है तुम्हें दादी के जाने से सदमा लग गया है, तुम अंदर चल के आराम करो। मतलब वो बबलू का भूत था जो मेरे साथ खेलता था और मैं उसके साथ बात किया करती थी, वो सिर्फ मुझे ही दिखाई देता था। माँ, इस घर में भूत है। चलो हम शहर लौट चलते हैं। चलो। बड़े भाई साहब की मौत के बाद मैंने माँ को शहर चलने के लिए कहा, पर वो नहीं मानी। तुम छोटी थी इसलिए मुझे मजबूरन शहर जाना पड़ा। देखो, कुछ झाड़ फूक करके इस घर पे ताला लगा दो, समझ गए? हम लोग जा रहे हैं। और सुनो, तुम भी यहाँ से चले जाना, ठीक है? अपने गांव लौट जाना, बाद में मुलाकात होगी। कल जिस ट्रक ड्राइवर से तूने लफड़ा किया था ना, वो मर गया है। लॉरी ड्राइवर जेम्स टेरेस से गिरकर मारा गया। मोहित अग्रवाल नशे की हालत में टेरेस से गिर गए और वहीं उनकी मौत हो गई। ऐसा ही योगेश, वो भी टेरेस से गिरकर ही मरा। योगेश सर की टेरेस से गिरने से मौत हो गई सर। इसके बाद हर्षल और संदीप भी उसी तरह मरे। मुझे इसका राज जानना ही होगा। नाम क्या है? भवानी। दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। आंखें बंद करो और ध्यान लगाओ। सिर्फ भवानी के बारे में सोचो। उसका चेहरा, उसकी हंसी, उसकी हरकतें, उसका व्यवहार, सिर्फ उसी के बारे में सोचो। खुद पर उसे हावी होने दो। भवानी, 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 इतने दिनों से तू मुझे मिलने क्यों नहीं आई? कहते कि तू मुझे अभी प्यार करती है, मैं तेरा चैतन्य हूं, मुझे भूल गई तू? एक बार अपनी चुप्पी तोड़ दे। करती हूं। तुमने मुझे दुनिया की सारी खुशियां दी, पर किसी ने उसे मुझसे छीन लिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये सही नहीं है। बदला जिंदा लोगों को झूठी खुशी देता है, पर तुम ये क्यों कर रही हो?
भवानी, उसे मारकर ही मेरा इंतकाम पूरा होगा। इंतकाम? भवानी, तुम किसे मारना चाहती हो? जिसने तुम्हें मुझसे छीन लिया, मैं उसे जान से मार डालूंगी। मैंने ही उसकी दादी को मारा, मैं उसके सारे परिवार को खत्म करूंगी, कोई नहीं बचेगा। तुम किसकी बात कर रही हो भवानी? अरण्या। मम्मी पापा जिंदा है, बताइए ना आपको क्या चाहिए। आप नाम नहीं बताएंगे तो मैं कैसे सर्च करूंगा? अरण्या, इस नाम की लड़की को ढूंढना है। ठीक है, बताइए पूरा नाम क्या है, कोई पता, उम्र? सर, ये इंटरनेट है, दादी माँ की पोटली नहीं है जो हाथ डाला और निकाल लिया। अगर डिटेल्स नहीं बताएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। ये वाला वीडियो प्ले करना। ये वाला? आपको बात समझ में आई? यही है वो लड़की। सर, ये लड़की तो बहुत फेमस है सर, ये तो भूत के वीडियोस बनाती है। एक नंबर की सनकी औरत है सर, भूतिया घर में रहती है, ये देखिए। भवानी के साथ तुमने अच्छा नहीं किया, तुम सबने मिलकर उसे जान से मार दिया।
बॉडी सुबह ले जाना। नमस्ते सर। मैडम, उस दिन उसका पति उसकी डेड बॉडी ले गया था, ये उस आदमी का नाम और एड्रेस है। ये रखिए। शुक्रिया मैडम। थैंक यू। उसको बोलना आगे लेके जाए। पावती दे दिया, सुबह आएंगे वो लोग। हाँ सुबह। यकीन मानो, तुम्हें ही ढूंढ रहा था मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जान बचाना चाहता हूँ, ताकि भवानी तुम्हें ना मार सके। मैं तुम सबकी जान बचाना चाहता हूँ और तुम मुझ पर शक कर रही हो। एक बात बताओ, क्या तुम भवानी को जानती थी? कभी जाने अनजाने उसे कोई नुकसान पहुंचाया? ये क्या बकवास है? ना मैं उसे कभी मिली हूं, ना मैंने उसे देखा है। मैं जानती तक नहीं हूं कि भवानी कौन है। पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। ये इत्तेफाक नहीं है, मुझे पक्का यकीन है वो तुम्हें जानती है, इसीलिए पीछे पड़ी है। चैतन्य, चैतन्य, एक दिन संयोगवश मैं भवानी से टकराया। भवानी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है, मेरे लिए एक पहेली है। इसका राज जानने के लिए तुम्हें किसी से मिलना होगा। अब तुम जाओ, भवानी आ गई है। कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। गांव वाले कहते हैं तुम्हारे ताऊ को छुड़ैल ने मार डाला, अब तो दादी की भी जान चली गई। भवानी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है, मेरे लिए एक पहेली है। मेरे ख्याल से तुम्हें खुद भवानी से रूबरू होना चाहिए। कभी जाने अनजाने उसे को नुकसान तो नहीं पहुंचाया? इसका राज जानने के लिए तुम्हें किसी से मिलना होगा। आधे चंद्रमा की रात को हम उसे बुला सकते हैं। क्या तुम उससे मिलने के लिए तैयार हो? उस आत्मा को काबू करने का सिर्फ एक ही तरीका है, काल भैरव की पूजा करनी होगी, तभी उस आत्मा से मुक्ति मिलेगी तुम्हें। मंत्रों का जाप वहीं होगा जहां वो आत्मा रहती है, यानी तुम्हारे घर में। वो आत्मा बहुत ताकतवर है, वो तुम्हारी जान भी ले सकती है। अमावस्या की आधी रात में जब मंत्रों का जाप होगा, तुम्हें भवानी की लाश को बाहर निकालकर उसके शरीर पर त्रिशूल से वार करना होगा। फिर जब उसका शरीर नष्ट हो जाएगा, तब उस त्रिशूल को लाश की जगह गाड़ देना। उसके बाद हम मंत्रों की शक्ति से उसकी आत्मा को काबू में कर लेंगे। ध्यान रहे, वो आत्मा बहुत ताकतवर है, अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो वो आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी। उस आत्मा से बचने का यही एक तरीका है। अगर तुम उससे जीत गए तो वो तुम्हारे काबू में आ जाएगी, पर अगर वो जीत गई तो उसके बाद उसे कोई नहीं रोक पाएगा। अरण्या कहाँ चली गई थी? हम लोग कितना परेशान हो गए थे, हमें बताकर जाना चाहिए था ना।
बेटा, दादी के गुजर जाने की वजह से तुम्हें सदमा पहुंचा है। तुम कहीं घूमने जाना चाहती हो तो जाओ, या फिर किसी काउंसलिंग की जरूरत है तो हमें बताओ, हम इंतजाम कर देंगे। लेकिन हमसे बातें करना बंद मत करो बेटा, तुम्हारे अलावा हमारा और कोई नहीं। प्लीज बात करो हमसे। दिल्ली से जॉब इंटरव्यू का कॉल आया है पापा, नेशनल न्यूज चैनल, आज ही निकलना होगा। अब ये कहीं नहीं जाएगी, इसकी हर बात मानना जरूरी है क्या? ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम्हें जो सही लगे वो करो, पर अपना ख्याल रखना। थैंक्स पापा, थैंक्स मॉम। सुनो चैतन्य, काम शुरू करो। अमावस्या की रात में तुम्हें भवानी की लाश को त्रिशूल से नष्ट करना होगा। उसके बाद हम काल भैरव के मंत्रों का जाप करके उसकी आत्मा को वश में कर लेंगे। Thank you.
हूं। पीछे क्यों पड़ी हो? मैं जानती हूँ तुम्हारा बचपन बहुत मुश्किलों से गुजरा, लेकिन लाइफ में सबको सारी खुशियां नहीं मिलती। इसके लिए सबकी जान लेना जरूरी है क्या? मैं जिंदगी भर खुशियों के लिए तरसती रही, और जब मेरी खुशियां मेरे करीब थी तब तूने उन्हें मुझसे छीन लिया। जब भी दुनिया में इंसान जन्म लेता है, लोग उसका जश्न धूमधाम से मनाते हैं। अरे लेकिन मैं एक शापित लड़की बनकर इस दुनिया में आई। बेटी हो गई। किस्मत फूटी है बेचारे की। बेटा पाने के लिए दूसरी शादी की, उससे भी बेटी हुई। अरे बाप रे, बिजली गिरी। बिना किसी गलती के मुझे अशुभ बना दिया गया। मेरी अपनी माँ भी मुझसे नफरत करने लगी। माँ ये बहुत रो रही है, इसको उठा लो ना। मम्मी बाबू, ये पैदा होते ही मेरे पति को खा गई। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मेरे स्कूल के दिनों में भी मैंने सिर्फ तकलीफें ही झेली। सुपर निशाना था, मुंह धो ले गोरी हो जाएगी। क्या हुआ, डर गई? सुना है तो जिसका रास्ता काटती है वो ऊपर चला जाता है। भवानी रुकना। भवानी अब कितना रोएगी? भवानी रोना बंद करना, ये तो मुझे अच्छी लगती रे भवानी। जिस परिवार को मेरे पैदा होने की खुशी नहीं थी, उस परिवार ने मेरा 16वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। पर दीदी को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, जिसका कलंक भी मुझ पर ही लगा। भवानी देख, शहर से मैं तेरे लिए क्या लेकर आया, गिफ्ट खोलना इसे। ये लाल रंग का कुमकुम सच में तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। वो मैं पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, तू भी चलना मेरे साथ। मुझे पढ़ने के लिए स्कूल जाने दिया, वही बड़ी बात है। इधर आ, मजनू की औलाद, तुझे यही मिली थी मुंह काला करने के लिए, चल। जिंदगी में पहली बार मुझे चैतन्य की वजह से ही खुशी मिली थी, और उस खुशी को इस बेरहम दुनिया वालों ने मुझसे छीन लिया। जब मैं बड़ी हुई तब मेरे रिश्ते के लिए कई लोग आए। नैन नक्श तो अच्छे हैं, पर कल्लो से शादी करेगा कौन? वैसे दिखने में तो अच्छी है, काश थोड़ी और गोरी होती तो। गांव के सारे लोग कहते हैं कि तू मनहूस है, क्या ये सच है? ये लड़की तुझे अच्छी लग रही है क्या? मुझे पसंद नहीं है, चलो यहाँ से। कभी दहेज की वजह से, कभी मेरे रंग रूप की वजह से उन्होंने मेरा रिश्ता ठुकरा दिया। मैं लोगों के बीच रह के भी अकेली थी, जिसका मेरे जीजा ने फायदा उठाने की कोशिश की।
सुनकर बताएगी भी क्या हुआ? बस रोए जा रही है, कुछ बोल ही नहीं रही है। आखिर तुझे हुआ क्या है, बताएगी भी? मुझे नहीं बता सकती तो कम से कम बहन को तो बता। चीचा जी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। क्या कहा तूने? जबरदस्ती? जबरदस्ती नहीं, ये भी राजी थी। अब ये मुझे फंसा रही है, शादी नहीं होगी तो यही होगा ना, इसी ने मुझे इसके लिए कहा था। अब सबके सामने इल्जाम लगा रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पति पे इल्जाम लगाती है? भूल गई वही घर संभालता है? हाँ, तूने जिंदगी भर सबका घर बर्बाद किया, अब मेरा घर बर्बाद करेगी? निकल निकल यहाँ से, मेरे घर से निकल जा। तू किसी पे भी झूठा इल्जाम लगाती रहेगी और हम सब यहाँ बैठे बैठे सुनते रहेंगे क्या? दोबारा यहाँ लौटी तो पैर काट दूंगी। चल निकल यहाँ से, अपनी मनोज शक्ल लेके निकल यहाँ से। निकल यहाँ से, जाती है कि नहीं? जा, हमारा पीछा छोड़, अपना मनोज शक्ल लेके निकल जा यहाँ से, वरना चप्पल से मारूंगी। निकल जा यहाँ से, जा कहीं जाके मर जा, डूब मर जाके, कभी बताना। दरवाजा खोल, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे डर लग रहा है दीदी। वहां से शहर चली आई, 2 साल छोटे मोटे काम करके गुजारा करती रही, फिर एक होटल में मेरी चैतन्य से दोबारा मुलाकात हुई। दूसरे देशों में जाने के बाद लोग अपने देश की सभ्यता भूलते जा रहे हैं, लेकिन कनाडा में आज भी इंडियंस अपने बच्चों को हिंदी भाषा सिखाना चाहते हैं। We are offering you a $10,000 salary minimum and a good stay in Canada. तो बोलो चैतन्य, तुम्हें ऑफर कैसा लगा? कोई और डिमांड है तो वो भी बोलो। सर, पैसों के लिए नहीं, मैं अपने पैशन के लिए काम करना चाहता हूं। पता है तुम्हारी किताबें कनाडा में बहुत पॉपुलर है, लोग तुमसे पढ़ना चाहते हैं। वैसे आप अपनी फैमिली को इंडिया कब ला रहे हैं? कभी न कभी उन्हें भी ले आऊंगा, लेकिन तब तक तुम भी शादी कर लो, अपनी बीवी के साथ एक बार तो कनाडा आ जाओ घूमने। सॉरी सर, नहीं कोई बात नहीं, ऐसा होता है। जब मैं अपनी जिंदगी की लाचारी पर रो रही थी, तब चैतन्य मेरे पास आया। अरे तुम रो क्यों रही हो? वो मेरी मिस्टेक थी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सुपरवाइजर से बात करता हूँ, आओ प्लीज कम विद मी। चैतन्य भवानी, अंदर आओ। इतने सालों तक कहां थी भवानी? शादी की तुमने? मुझ मनोज से कौन शादी करेगा? तुम कहां चले गए थे? कॉलेज के फाइनल ईयर में था, तभी आर्मी में सिलेक्शन हो गया। खून, लाशें, मातम सब देखा, रिजाइन किया और तुम्हें ढूंढने गांव गया, पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। गांव वालों ने कहा कि तुम मर चुकी हो, पर किस्मत का खेल देखो कि तुम आज तुम मेरे पास हो। होटल में वो लोग कौन थे? मुझे जॉब ऑफर देने आए थे। मेरे साथ चलो, कनाडा में रहेंगे, जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। चैतन्य, तुम्हें काला रंग पसंद है ना? ये लो। ये क्या किया? भवानी, लो
हमारी शादी में जरूर आना। और फिर मेरी जिंदगी का सबसे सुनहरा पल आ गया, मेरी शादी का दिन। मैं तैयार होकर शादी के लिए खुशी खुशी निकल रही थी, पर तुम्हारी वजह से मेरी खुशियों को फिर से ग्रहण लग गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या बात है भवानी, आजकल बहुत चमक रही है। शादी में जा रही है। ऐसा लगता है इसी की शादी है। मैडम, मैडम दरवाजा खोल दीजिए। मैडम, अगर तुमने उस दिन लिफ्ट रोक दी होती तो मुझे सीढ़ियों से नहीं जाना पड़ता और ना ही मेरे साथ वो हादसा हुआ होता। मेरी ब्यूटी क्वीन, कहाँ पर हो? भवानी। हेलो, रूम नंबर 701 के बारे में बताया था ना बियर कंपनी का ओनर, वो रूम क्लीन करने के लिए बुला रहा है। पर तुम्हारी शिफ्ट का टाइम तो हो गया ना, चलो बाहर निकलो। 5 मिनट में क्लीन करके जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, जल्दी आना। क्या बात है, सज धज के किधर जाता है? साड़ी अच्छी लग रही है तेरी। सुन, एक रात रुकेगी क्या? बता ना, रानी बना दूंगा। ए, तुम फिर इधर लौट के आएगा? भैया रिक्शा खाली है? हाँ, कहाँ जाओगी? रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है। रिक्शे में बैठ गई। भवानी, शादी के बाद हॉस्टल खाली करके मेरे घर शिफ्ट हो जाना। सच कहूँ तो अब तुमसे दूर नहीं रहा जाएगा। अच्छा तन्या, तुम्हें याद है स्कूल के दिनों में तुम मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिया करते थे? आज मैं भी तुम्हारे लिए एक खास गिफ्ट लेकर आ रही हूँ। मेरी गिफ्ट तो तुम हो, इसके बाद भी कुछ चाहिए क्या? मुझे चढ़ाना बंद करो। ठीक है, अच्छा ये बताओ क्या गिफ्ट लाई हो मेरे लिए? वो तो एक सरप्राइज है। कितनी बार बोला तुम्हें? निकाल। हेलो भवानी। चैतन्य, एक प्रॉब्लम हो गई है। दो शराबी ऑटो वाले से पैसे छीन रहे हैं। जानता नहीं है, वहाँ कोई और है तुम्हारे साथ? एक सेकंड रुको, होल्ड करो, मैं देखती हूँ। हेलो छोड़ो भाई साहब, इन्हें इन्हें छोड़ दीजिए, चाहिए तो मुझसे पैसे ले लीजिए। भवानी क्या हो रहा है वहाँ? तूने बोलेगा बीच में। पछाड़े मत पड़ो, पटो में बैठो। नहीं, मेरा मेरा बात मत लीजिए। भैया इसे छोड़ दीजिए, ये मेरी शादी की रिंग है। भैया भैया प्लीज इसे इसे छोड़ दीजिए, इसे प्लीज मत लीजिए, दे दीजिए। लाइफ बन गई। अरे सोने की अरे इसमें तो महीने भर की दारू का जुगाड़ हो जाएगा। नहीं नहीं इसे छोड़ दीजिए प्लीज। भवानी क्या हुआ, जवाब तो दो। तुम्हारे लिए जो गिफ्ट खरीदा था उन शराबियों ने छीन लिया। कोई बात नहीं भवानी, एक गिफ्ट ही तो थी, हम बाद में फिर से खरीद लेंगे। तुम ठीक हो ना? अब रोना बंद करो। इस वक्त कहाँ हो? बस पहुंचने वाली हूँ, कॉल करती हूँ पहुंच के। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ए, किधर भाग रही है? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चल इधर। मैंने कुछ नहीं किया। एक तो चोरी करती हूँ, तो झूठ बोल रही है। वो भाग गई है। कब तक आएंगी? 5 मिनट में आ जाएगी। ठीक है मैडम, अभी कितना टाइम लगेगा? मेरे हस्बैंड मेरा इंतजार कर रहे हैं। जाने दीजिए। बकवास बंद कर, हम अली बाग से आए हैं, जो मैं तेरी बात मान लूंगा। मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। मेरे सामने ये सब ड्रामा नहीं चलेगा। एक तो धंधा करती है, ऊपर से झूठ बोलती है। अरे चुप कर, ये तो दूंगा एक। शादी है सर। सर ये वो औरत है, ये कोई और है, उसे पकड़ लिया गया है। क्या बात कर रहा है? मैंने कहा था ना मैं वो नहीं हूँ सर। ओ अरे, तो पहले बोलना था ना। ए, चल निकल जा।
चलो मैं आता हूँ। ठीक है जल्दी आना। हाँ हेलो भवानी। हेलो चैतन्य, एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ के मुझे बहुत मारा। पुलिस वाले ने मारा? क्या बात कर रही हो भवानी, हुआ क्या है मुझे बताओ। मेरे साथ ही क्यों गलत होता है? भवानी तुम कहाँ हो मुझे बताओ, मैं आ रहा हूँ। पास में ही हूँ, बस पहुँच रही हूँ, आ गई। अच्छा ठीक है जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। दीदी एक मिनट, दीदी मुझे रोड क्रॉस करा दोगी प्लीज? तुझे बोला ना फोन मत क्या कर, चल अभी के अभी फोन रख, हट। बकवास औरत। सबकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, इसलिए मैंने तुम सबसे बदला लेने का फैसला कर लिया। सबसे पहले मैंने अपनी माँ बहन और जीजा को मार डाला, उसके बाद मैंने मोहित अग्रवाल को मार डाला, ऐसा ही योगेश और लॉरी ड्राइवर जेम्स को मारने के बाद मैंने हर्षल और संदीप को भी मौत के घाट उतार दिया, यहाँ तक कि तुम्हारी दादी को भी मैंने ही मार डाला। अगर उस दिन तुमने लिफ्ट रोक दी होती तो मैं जिंदा होती और मेरा प्यार मेरे पास होता। वो सब कुछ ना होता और मैं एक हंसती खेलती जिंदगी जीती। कैसे प्रायश्चित करूं मैं? अब तुम क्या चाहती हो? मुझे तू चाहिए रन्या, अपना अधूरा जीवन तेरे जरिए जीना चाहती हूं। जब तक जिंदा थी तब तक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकी, पर अब जीना चाहती हूं, तुझे मेरे लिए बलिदान देना होगा। तुम चाहती तो ये बहुत पहले कर सकती थी। बिल्कुल कर सकती थी, लेकिन फिर तुझे पता कैसे चलता? तो फिर इतनी तकलीफ क्यों दी मुझे? इतनी सी तकलीफ तुझे बर्दाश्त नहीं हुई? जरा सोच, मैंने पूरी जिंदगी इन्हीं तकलीफों में गुजारी, अब तेरी बारी है, अब तू भी उन तकलीफों को उसी तरह महसूस करेगी जैसे मैंने किया, हर दिन पल पल तड़प कर। हेलो, बोलो अरण्या। चैतन्य रुक जाओ, वापस आ जाओ। मेरे चैतन्य को मुझसे छीन लिया था, अब तुम ही
ही उसे मुझे लौटा होगी। मैं तुम्हारे शरीर के जरिए अपने चैतन्य को दोबारा हासिल करूंगी। ये फूल, ये सजावट कोई खास बात है अरण्या? तुम्हारी भवानी तुम्हारे पास वापस लौट रही है मेरे जरिए। ये गलत है, प्रकृति के खिलाफ है। भवानी के साथ जो हादसा हुआ उसकी असली वजह मैं हूं। कितनी अजीब बात है, किसी को जिंदगी में सब कुछ मिलता है तो किसी की झोली एकदम सूनी रह जाती है। उसे जिंदगी में सिर्फ दर्द और तकलीफें मिलती हैं। सोचती हूँ क्या ऊपर वाला इन बातों से अनजान है जिसने सृष्टि बनाई, या फिर वो हमारा इम्तिहान ले रहा है। जिस खुशी को दुनिया वालों ने भवानी से छीन लिया था, आज वो खुशी मैं उसे लौटाने जा रही हूँ। जिस कहानी की शुरुआत मैंने की थी, आज मैं उसे खत्म करने जा रही हूं। पूरी दुनिया के सामने मैं तुम्हारे साथ फेरे लूं, पर कोई बात नहीं, तुम और मैं आज शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। पर ऐसा लग रहा है कोई कमी सी है। काला टीका, मेरे चैतन्य को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। आज मैं बहुत खुश हूं, तुम भी खुश हो ना? ये ठीक नहीं है भवानी। क्यों नहीं? किसी की जिंदगी को खराब करके अपनी जिंदगी बसाना ना तो ये इंसाफ है और ना ही ये जायज है, सरासर गलत है। क्या कर रहे हो?
किस्मत ने मौका दिया है, उसे यूं मत ठुकरा। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। पर मैंने ये सब नहीं मांगा। रुक जाओ, क्यों जा रहे हो? वो खुद राजी हुई थी, वक्त पर बात मत करो, चलो। छोड़ो भवानी, तुम्हें याद है जब हम दोनों स्कूल में थे, मैं तुम्हें खिड़की से निहारा करता था। तुम्हारी सादगी ने मेरा दिल जीता। मेरी वो भवानी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। मुझे ये भवानी नहीं चाहिए। तुम वो भवानी नहीं हो जिससे मैं प्यार करता था। तुम पूरी तरह बदल चुकी हो चैतन्य। अरण्या को सब कुछ मिला, माँ बाप, पढ़ाई लिखाई, सुख चैन, सब कुछ, पर मुझे क्या मिला? हाँ, आखिर उसका शरीर मांग के मैंने क्या गलत किया? सही गलत क्या है ये फैसला करने वाले हम कौन हैं? बिना मेरी परवाह किए कुछ लोगों ने मेरे ऊपर बदकिस्मती की मोहर लगा दी। क्या ये गलत नहीं था? अरण्या भी उन लोगों में से एक है। तुम कुछ भी कहो, मुझसे नहीं हो पाएगा। जब भी तुम्हारी ओर देखता हूं, मुझे तुम में मेरी भवानी नहीं दिखाई देती। ऐसा लगता है कि जैसे अरण्या मुझे घूर रही है। मैं ये अन्याय नहीं कर सकता और इस रूप में मैं तुम्हें नहीं अपना सकता भवानी। तुम मेरे नहीं होना चाहते, कोई बात नहीं, अब अरण्या भी किसी की नहीं हो सकती। ये गलत है भवानी, अरण्या को छोड़ दो, वो बेकसूर है। तो मेरा क्या गुनाह था? अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं इसकी जान ले लूंगी। मेरी भवानी ऐसी नहीं थी, तुमसे प्यार किया, तुम्हारे साथ जीना चाहता था। किसी और के शरीर में मेरे सामने खड़ी हो तुम, मैं ऐसे कैसे अपना सकता हूं भवानी? तुम्हारे साथ खुद को भी धोखा दूंगा, मुझे माफ कर दो। आ रहा हूं, हम दोनों साथ रहेंगे।